आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी है, शत प्रतिशत लाभ कैसे पहुंचे, शत प्रतिशत लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं, अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है, और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है, शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये शत प्रतिशत वाली मां बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही, उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया, उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन शत प्रतिशत जाना है तो उसको विश्वास होता है, भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, तीन महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि शत प्रतिशत उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो, तो भेदभाव पक्षपात टिकी नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है, यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक में ले, देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही है।